हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? पाए अच्छे होंगे। मेरा नाम है आरपी आदरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कुछ इस तरह दीपावली, धनतेरस, छठ पूजा का कुछ इस तरह का पोस्टर बनाने वाले हैं। इस तरह पोस्टर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सेल एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना और नीचे डिस्क्रिप्शन आपको पीएलई फाइल, पीएनजी फाइल, ऑल मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड वीडियो में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस तरह का पोस्टर डिजाइनिंग करने आपको सबसे ज्यादा पिक्सेल एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो मटेरियल पीएलई फाइल, पीएनजी फाइल दिया गया है वो सब कैसे यूज करना है, यूज करने के लिए आपको पिक्सेल एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर न्यू टेस्ट आएगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा ऊपर थ्री आइकन, इस पर क्लिक करना है और उस फाइल में आपको एक पीएलई फाइल भी दिया गया होगा। अगर पीएलई फाइल यूज करना चाहते हो तो यहाँ नीचे से तीसरे स्थान पर पीएलपी फाइल, ओपन पीएलई फाइल का ऑप्शन दिया, उस पर आप क्लिक करके आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल जाए, ऊपर से पहला स्थान पर यूज फॉर इमेज गैलरी का ऑप्शन दिया, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करेंगे तो आपको गैलरी में लेकर जाए, गैलरी में आपको जिस फाइल ने अनजिप किया हो, जिस फाइल पर जैसे डाउनलोड में अनजिप किया हो तो अनजिप डाउनलोड पे, अगर बाहर रखो तो बाहर पे आ जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर बाहर ही रखा हूँ, यहाँ पर ग्रुप पोस्टर दीपावली पोस्टर 11 है, ठीक है। इसको आपको अंदर यानी ऑन करना है, अंदर आपको सारे पीएलई पीएनजी फाइल देखने को मिल जाएगी। तो पहले आपको क्या करना है, एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ओके का ऑप्शन देगा, आपको ओके दबा देना है, आपका बैकग्राउंड इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पे आना है, यहाँ पर जगह इस वाले फाइल में आना है, फिर से 11 वाले फाइल पे आपको आ जाना है। इस फाइल में आएंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का पीएनजी देखने को मिलेगा, पीएनजी को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इसे बीच वाले पे टैप करके यहाँ पर रिलेटिव साइज जो होता है 100 कर देना है, ओके कर देंगे। इसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पे आना है, उसके बाद इंटरनल में जाना है। इंटरनल में जाने के बाद फिर से उसी वाली फाइल पर आपको आ जाना है, उस फाइल पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का पीएनजी देखने को मिले, इस पीएनजी को सेलेक्ट कर लेना है। इस पीएनजी को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद इस तरह से क्रिएट कर देना, आपको साइज को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी में आना है, इंटरनल में जाना है। इंटरनल में जाकर आपको फिर से उसी वाली फाइल पर आपको आ जाना है, उसी वाली फाइल पर आपको 11 वाले पर आना है, इस पर टाइप करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का पीएनजी देखने को मिले माता रानी का, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह क्रिएट करके इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फोटो लगाना है, तो अपना फोटो लगाने के लिए प्लस पे सेलेक्ट करने, फोर गैलरी पे आएंगे। अब जिस फाइल में अपना फोटो पीएनजी बना कर रखे होंगे आप उसको ले लेना। अगर आप लोग पीएनजी फाइल बनाना नहीं आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के आपको पीएनजी पीएलई फाइल बनाना सीख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर फोटो का साइज कुछ इस तरह क्रिएट है तो आपको इस तरह घुमाना है, तो आपको यहाँ पर इस तरह क्लिक करके आप इस तरह घुमा लेना है। अब फोटो जितना बड़ा छोटा लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पे आना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर उसी वाली फाइल में आपको आ जाना है। उसके बाद अगर कुछ मटेरियल दिया गया है, जैसे कि आप सभी देशवासियों को, आप सभी ग्रामवासियों को, आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं वाली पीएनजी, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रेलवे साइज 100 कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद रह गया यहाँ पर अपना नाम लगाना है, तो नाम डालने के आपको नेम प्लेट की जरूरत पड़ेगी। अगर नेम प्लेट आप लोग को बनाना नहीं आता है, नीचे कमेंट कीजिए, अगला वीडियो हम नेम प्लेट का बना देंगे। और यहाँ पर पहले से ही नेम प्लेट हमने बना कर रखा है, तो नेम प्लेट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी उसी फाइल में आपको नेम प्लेट देखने को मिल जाएगा, उस नेम प्लेट को आपको ले लेना है। तो यहाँ पर हम नेम प्लेट ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करेंगे यहाँ पर रेलवे साइज 100 हो जाएगा, 100 कर देना। अब यहाँ पर अपना नाम जो भी आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैं इनका नंबर नाम डालता हूँ, यहाँ पर ए पे क्लिक करना है, पर न्यू टेस्ट लेना है और न्यू टेस्ट को लेकर यहाँ पर दो बार टैप करके, जैसे इनका नाम योगेंद्र है, ठीक है, तो यहाँ पर हम योगेंद्र लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर योगेंद्र, ठीक है, तो योगेंद्र, तो इनका नाम हम योगेंद्र योगेंद्र यादव, ठीक है, यहाँ पर मैंने योगेंद्र यादव लिख दिया। उसके बाद आपको क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा फंड का, फंड पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी फंड आप रिलीज करना चाहते हैं यानी ऐड करना चाहते हैं तो आप उस फंड को इस तरह से लगा लेना, ओके कर देना है। उसके बाद आपको साइज अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना है। उसके बाद इसको सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना है, सेव पर इमेज पे आना है, यहाँ पर क्वालिटी पे, क्वालिटी पे क्लिक करके अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना। अगर आपको हमारा पीएलई फाइल, पीएनजी फाइल आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिस मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो साथ।